हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज से दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑटोकैड की न्यू सीरीज। जो हमारी पिछली ऑटोकैड की सीरीज थी दोस्तों, उसमें जो स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस थी उसमें वॉइस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए न्यू सीरीज लेके आया हूँ ऑटोकैड की। और सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक इस कोर्स को हम कम्प्लीट करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ऑटोकैड के अलावा रेविट सॉलिड वर्क की भी वीडियोस साथ के साथ डालता रहूंगा। ये सीरीज पिछली ऑटोकैड सीरीज से कुछ डिफरेंट रहेगी और साथ में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा इस सीरीज के अंदर। तो इस सीरीज को हम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हो ऑटोकैड के अंदर तो भी आप बिल्कुल इजीली बेसिक लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक आप ये कोर्स सीख सकते हो हमारे चैनल के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल का आइकन होता है उसमें ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में दोस्तों एक सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि अब आप ऑटोकैड सीखने के साथ साथ हमारे चैनल के थ्रू सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, और वो भी ऑथराइज्ड ऑटोडेस्क सर्टिफिकेशन रहेगा दोस्तों, और वो हर जगह वैलिड रहेगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करो उसको, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो उस सर्टिफिकेट को। उस सर्टिफिकेट की एक छोटी सी फीस रहेगी, और उसका अगर आपको प्रोसीजर जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810612424, या आप मुझे ईमेल आईडी के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड की न्यू सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप इस सीरीज को भी बहुत ज्यादा प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड की न्यू सीरीज। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, मैंने ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जो स्क्रीन आती है यहां पर, ये वेलकम स्क्रीन जो कि आप यहां पर देख रहे होंगे ग्रीन बॉक्स के अंदर। इसके अंदर यहां पर जो फर्स्ट पोर्शन है, इसके अंदर यहां पर दे रखा है गेट स्टार्टेड। इसमें जो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन देख रहे होंगे आप, स्टार्ट ड्रॉइंग, इसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी न्यू ड्रॉइंग ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है टेम्पलेट्स का। इसके अंदर कुछ प्रीमेड फाइलें होती हैं जिनके अंदर हम सेटिंग को सेव कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार उन सेटिंग्स के लिए टाइम स्पेंड ना करना पड़े। तो वो टेम्पलेट फाइल आपको यहाँ पर शो होगी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। और जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर ओपन फाइल का। अगर आपने कोई फाइल सेव की हुई है ऑटोकैड की तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर टॉप के अंदर देख रहे होगे, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है न्यू फाइल का। अगर आपको न्यू ड्रॉइंग फाइल ओपन करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ से भी कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखा है सेकंड, ये दे रखा है ओपन का, तो यहाँ पर आप फाइल को ओपन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ अदर ऑप्शन भी दे रखे हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है यहाँ पर वो दे रखा है यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट का। इसके अंदर वो फाइलें शो होती है जिनके ऊपर आपने रिसेंटली वर्क किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट उनको यहाँ से भी ओपन कर सकते हो क्लिक करके। और जो यहाँ पर थर्ड पोर्शन दे रखा है वो दे रखा है नोटिफिकेशन एंड कनेक्ट का। नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पर ऑटोकैड के रिलेटेड कुछ अपडेट मिलती रहेंगी। और उसके अलावा जो कनेक्ट का ऑप्शन है, इसके थ्रू क्या होता है दोस्तों, तो ये बेसिकली क्लाउड का ऑप्शन है दोस्तों। इसके अंदर आप फाइल सेव कर सकते हो और उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारे फ्रंट स्क्रीन के ऑप्शन थे कुछ। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, स्टार्ट ड्रॉइंग के ऊपर क्लिक करेंगे। या तो आप यहाँ पर स्टार्ट ड्रॉइंग के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या आप इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या उसके अलावा आप यहाँ पर न्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। और उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है वो दे रखा है यहाँ पर कि आप यहाँ पर भी क्लिक करके न्यू फाइल को ओपन कर सकते हो। उसके अलावा कंट्रोल एन भी दबा सकते हो, शॉर्टकट की होती है न्यू ड्रॉइंग फाइल ओपन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट ड्रॉइंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये यूजर इंटरफेस आ गया है। तो इसके अंदर जो सेंटर में आप यहाँ पर एरिया देख रहे हो, ये हमारा ड्राइंग एरिया होता है। इस ड्राइंग शीट का जो साइज है दोस्तों वो इनफाइनाइट होता है, कितनी भी बड़ी ड्राइंग आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो इसकी कोई विड्थ और लेंथ नहीं होती, तो आप कितनी भी बड़ी ड्राइंग आप ऑटोकैड के अंदर क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा ये आप यहाँ पर देख रहे होगे पीछे की तरफ ये कुछ लाइनें दे रखी है, डार्क लाइन और ये लाइट लाइनें, ये हमारी ग्रिड होती है। इनको आप अगर ऑफ करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो। यहाँ से अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये ग्रिड ऑफ हो जाएगी और यहाँ पर बिल्कुल प्लेन कलर दिखाई देगा बैक साइड में। अगर आप दोबारा ग्रिड ऑन करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर सबसे टॉप के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है एप्लीकेशन मेन्यू का। इसके अंदर आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, किसी भी सेव्ड फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो। और जो ये हमारी ऑटोकैड की फाइलें होती हैं दोस्तों, ये हमारी .dwg एक्सटेंशन के अंदर सेव होती हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है सेव एज का। अगर आपको ड्रॉइंग फाइल अगर डुप्लीकेट
डेटा अगर फाइल सेव करनी है तो आप यहाँ पर सेव एज का यूज कीजिए। यहाँ पर उसके अलावा इंपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है जिसके थ्रू आप पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पर एक्सपोर्ट का दे रखा है। अगर आपको ये फाइल DWF फॉर्मेट में सेव करना है या PDF में सेव करना है तो आप एक्सपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके थ्रू आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन दे रखे हैं, ये आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। ड्राइंग यूटिलिटी दे रखा है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है दोस्तों, ये हम सारी डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ये दे रखा है क्लोज का ऑप्शन, इसके थ्रू भी आप यहाँ पर ड्राइंग फाइल को यहाँ पर क्लोज कर सकते हो। और सभी फाइलों को क्लोज करना तो यहाँ से कर लीजिए, और करंट ड्राइंग को करना है तो यहाँ से क्लोज कर लीजिए। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एग्जिट का, इससे हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। और बाकी सारे ऑप्शन हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, इसके अंदर दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इन टूल्स का। जैसे यहाँ पर ये न्यू फाइल दे रखी है, ओपन फाइल दे रखा है ऑप्शन, यहाँ पर सेव फाइल का ऑप्शन दे रखा है, सेव एज का, प्रिंट का, और यहाँ पर वर्क स्पेस को स्विच कर सकते हो 3D मॉडलिंग में भी। अगर आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप सिंपली इस आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, इस ड्रॉप डाउन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो आप यहाँ पर चाह रहे हो। जैसे अगर आपको वर्क स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर वर्क स्पेस के ऊपर टिक मार्क कर लीजिए, तो यहाँ पर ये वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये दे रखा है हमारा मेन्यू बार, इसके अंदर होम, इंसर्ट, एनोटेशन, ये अलग अलग मेन्यू दे रखे हैं। और उसके जस्ट नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये हमारा रिबन होता है जिसके अंदर यहाँ पर ये अलग अलग पैनल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो पैनल हमारा, ये हमारा ड्रा पैनल है, ये जो नेक्स्ट पैनल है, ये हमारा मॉडिफाई पैनल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो नाम। और उसके बाद में यहाँ पर ये एनोटेशन पैनल हो गया, लेयर पैनल, ब्लॉक प्रॉपर्टी, ये अलग अलग पैनल दे रखे हैं। और इन पैनल्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर ये टूल्स होते हैं, इनको हम टूल्स भी बोल सकते हैं या कमांड भी बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो बोलिए। और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जैसे होम टैब के अंदर ये अलग अलग पैनल दे रखे हैं, अलग अलग टूल दे रखे हैं, इसी तरह इंसर्ट टैब के अंदर भी अलग अलग टूल्स और पैनल दिए होते हैं। और यहाँ पर एनोटेट के अंदर अलग पैनल मिलेंगे, अलग टूल मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर टूल्स और पैनल मिलने वाले हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पर ये मिनिमाइज रिबन का ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये रिबन मिनिमाइज हो जाएगा, दोबारा क्लिक करते हो और मिनिमाइज हो जाएगा, दोबारा क्लिक करते हो हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करते हो तो ये शो हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे टॉप में आप देख रहे होंगे ये ड्रॉइंग का टाइटल बार होता है, यहाँ पर टाइटल शो होता है ड्रॉइंग का कि हमारी कौन सी ड्रॉइंग यहाँ पर ओपन है, उसका नाम यहाँ पर ये शो कर देगा। ओके, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, और यहाँ पर है क्लोज का। अगर आप यहाँ पर क्लोज कर दोगे तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पर ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं व्यूपोर्ट के, इसके अंदर यहाँ पर ये अलग अलग व्यूपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पर ये सिंगल व्यूपोर्ट है तो आप इस माइनस के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर व्यूपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपको यहाँ पर दो व्यूपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर टू वर्टिकल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर दो अलग अलग व्यूपोर्ट क्रिएट हो जाएंगे। जैसे कि आपने 3ds Max में देखा होगा वहाँ पर फोर व्यूपोर्ट आते हैं, तो अगर आपको AutoCAD के अंदर भी फोर व्यूपोर्ट चाहिए तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ये चार व्यूपोर्ट आ जाएंगे। तो ये बेसिकली यूज़ किस लिए होते हैं दोस्तों, इनसे हम ड्राइंग का साइड व्यू और टॉप व्यू, या अगर हम 2D के अंदर वर्क कर रहे हैं तो हम दो व्यूपोर्ट क्रिएट कर लेंगे, एक के अंदर हम हमारी जो रेफरेंस इमेज होती है उसको इंसर्ट कर लेंगे और दूसरे में हम उससे उसकी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी अलग अलग व्यूपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ये टॉप व्यू दे रखा है, बॉटम, लेफ्ट व्यू, ये 3D के अंदर हम सीखेंगे। और यहाँ पर ये 2D वायर फ्रेम दे रखा है, कंसेप्चुअल, रियलिस्टिक, साइडेड, ये सभी हम 3D के अंदर सीखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर राइट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये हमारा व्यू क्यूब है, इसके अंदर दोस्तों हम यहाँ पर टॉप, फ्रंट, लेफ्ट व्यू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम 3D के अंदर सीखने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये नेविगेशन टूल बार दे रखा है, इसके अंदर यहाँ पर नेविगेशन व्हील भी होता है जिसका यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर पैन टूल, जूम टूल, ये सभी ऑप्शन हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर ये है कमांड लाइन, इसके अंदर हम डायरेक्ट कमांड को टाइप कर सकते हैं और लास्ट जो हमने कमांड्स लगाई हैं उनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर ये UCS आइकन होता है, अभी यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो कर रहा है क्योंकि हमारा ये 2D प्लेन है, जब हम 3D के अंदर होंगे तो ये हमारा XYZ तीनों एक्सिस शो करेगा, तो इसको हम UCS आइकन बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये मॉडल, लेआउट वन, लेआउट टैब होती हैं, इसके अंदर मॉडल टैब के अंदर तो हम दोस्तों यहाँ पर कोई भी 2D और 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और लेआउट के अंदर हम बेसिकली उस ड्राइंग का प्रिंट आउट लेते हैं, तो लेआउट के अंदर हम विजुअली चेक कर सकते हैं कि हमारी ड्राइंग कैसी दिख रही है और
कैसा प्रिंट आउट आएगा, तो वो सभी सेटिंग इसके अंदर होती हैं, वो आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको भी। उसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर टॉगल टूलबार, जिनके थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पर कुछ सेटिंग्स ऑन ऑफ कर सकते हो जिनकी जरूरत हमें बार बार ड्राइंग के अंदर पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑटोकैड का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी इन वीडियोस को सपोर्ट करेंगे, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन के साथ में होता है, ताकि आपको आने वाली हमारी जो नई वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे, उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी या आपके ईमेल आईडी के ऊपर आ जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर।